खंडवा शहर में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के बालाजी धाम पर पतंग उत्सव मनाया गया। भारतीय संस्कृति के अनुरूप उत्सव की शुरुआत गौ माता को गुड़ चना खिलाकर की गई। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं के वुमेन्स पावर ग्रुप द्वारा पतंगबाजी सहित अन्य एक्टिविटी में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया गया। उत्सव में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत बैंडबाजी की धुन बजाकर किया गया। कार्यक्रम में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सबसे ऊंची पतंग, सबसे अधिक काटने वाली पतंग और आकर्षक पतंग लाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। मकर संक्रांति के इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने खूब एक दूसरे की पतंग उड़ाई और बोल बगड़ी का लुफ्त उठाया। वहीं लोकल को बढ़ावा देने के लिए फूड के 15 स्टॉल्स लगाए गए, जिससे कई प्रकार के भोजन का लुफ्त उठाने लोग पहुंचे। उत्सव में सेल्फी पॉइंट की भी व्यवस्था की गई थी। बालाजी ग्रुप के रितेश गोयल ने बताया कि उत्सव में पारंपरिक गिल्ली डंडा, सितोलिया जैसे खेले भी खेले गए। बैलगाड़ी की सवारी और हॉर्स राइडिंग भी की गई। मनोरंजन के लिए घोड़े जंपिंग झूला भी बनाया गया। कोरोना जागरूकता के लिए नृत्य और गणगौर नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। और शुभकामनाएं वुमेन्स पावर की ओर से। यहाँ पे जो आज आयोजन हो रहा है काइट फेस्टिवल, तो हम सभी की कोशिश यही है, पूरे वुमेन्स पावर की कोशिश यही है कि खंडवा वासियों को एक उत्साहित प्रोग्राम हम दें। तो इसमें हमने सारे प्रोग्राम अरेंज किए हैं, जैसे बिजनेस जोन है, फूड जोन है, प्रतियोगिताएँ हैं, और स्पेशली हमने जो यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम महिलाओं को आगे करें। तो इसलिए हमने जो फूड जोन भी लगाया है उसमें हमने ये कोशिश की है कि सारी वैरायटी हम रखें, यहाँ पे आने वालों को सभी कुछ मिले, और जो है वो हम महिलाओं को जो है वो सारे स्टॉल जो हमने महिलाओं को देके रखे हैं। संक्रांति की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं वुमेन्स पावर की ओर से। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं पतंग उत्सव मनाने के लिए, जिसमें वुमेन्स पावर के साथ बालाजी ग्रुप हमारा सहयोग कर रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, और ख़ास तौर पर कोरोना काल में किस तरह से हम सिक्योर रह के सावधानी पूर्वक हर्षोल्लास से ये उत्सव मना सकें, यहाँ पर पतंग, गिल्ली डंडे, इनका कंपटीशन रखा है, सिंगिंग कंपटीशन है, फूड जोन, बिजनेस जोन, और ये फूड जोन और बिजनेस जोन स्पेशली खंडवा की महिलाओं द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें वुमेन्स पावर जो एक ग्रुप है जिसमें लगभग 1000 महिलाएं एक्टिव हैं, जो अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, कुछ सोशल वर्क की महिलाएं भी हैं। और यहाँ पर बैलगाड़ी, जिसमें बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, घोड़े हैं, और सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर हमारे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस तरीके से काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। सिंगिंग को देखो, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है तो हमने गायन प्रतियोगिता भी रखी है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे 10 मंडल, हमारे महिला मंडल जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, वैसे तो गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन हमने गौ पूजन करके यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हमारी गौ माता के अंदर हैं, तो हमने उनका पूजन किया। तो सनातन धर्म से चला आ रहा है, संक्रांति पे जो है तिल गुड़ का प्रसाद उस रूप में लिया जाता है, सभी लोग जो है गाय की पूजा करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने ये प्रोग्राम की सोच रखी, और अपने निमाड़ी कल्चर को बरकरार रखते हुए सभी को शहर में एक ऐसा माहौल मिले जो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ने का मौका मिले, इसलिए यहाँ पर पतंग उत्सव है, गाड़ी बेल सजाई, गाड़ी बेल की वो है, घोड़ी की व्यवस्था रखी सवारी के लिए, स्वादिष्ट निमाड़ी व्यंजन जो है जैसे अम्बाड़ी की भाजी है, ज्वार की रोटी है, इस टाइप के खाने के बहुत से स्टॉल, और यहाँ के जो वुमेन्स पावर ग्रुप जो है उनके सहयोग से बहुत से स्टॉल जो यहाँ पे लोग बनाते हैं, या हमारे पंडित जी गौशाला से जो हैं
ये गौशाला चलाते हैं यहाँ पे श्रीराम गौशाला भखड़ा में। इन्होंने बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे लोगों को मंच मिले जो मोदी जी का सपना है लोकल फॉर वोकल, उसको देखते हुए कॉन्सेप्ट को दोनों को जोड़ा गया है। बहुत से वस्त्र उद्योग जो यहाँ पे खंडवा से लोकल प्रोडक्ट होते हैं उन लोगों के सबके स्टॉल लगे हैं।